बीते दिनों सचिन पायलट ने अपने अनशन द्वारा भाजपा की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों के बाद क्या होगा भाजपा का अगला कदम और क्या है भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना, देखिए। जयपुर की सड़कों में आज भाजपा द्वारा कैंडल मार्च निकाली जा रही है ताकि जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरे पीछे अनेकों समर्थक यहाँ पर जुड़े हैं, अपने हाथों में कैंडल लिए, मशाल लिए। आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो सर, किस तरीके से, क्या उद्देश्य है आपका इस कैंडल मार्च का? जो हमारा उद्देश्य है, जो मुजरिमों को सजा से बरी कर दिया है उनके खिलाफ आक्रोश है। आपको लगता है इस तरह की कैंडल मार्च जलाने से सरकार के कानों में कुछ आवाज जाएगी आपकी? इस कैंडल मार्च जलाने से सरकार की आवाजों में आवाज तो जाएगी कानों में, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह सचिन पायलट को अनशन करना पड़ गया अपनी सरकार के खिलाफ, ये आवाज पहुंचाने के लिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो आपकी कैंडल मार्च क्या कामयाब होगी? हमारी कैंडल मार्च कामयाब होगी, हम न्याय के लिए कर रहे हैं कैंडल मार्च। चलिए ठीक है, आपको क्या लगता है सर, आपकी कैंडल मार्च कामयाब होगी? बिल्कुल होगी, लोकतंत्र में यही शक्ति है, जब आवाज उठती है तो उसी की सुनी जाती है। तो जो और बहुत से लोग जुड़े हैं, ये इनसे जानते हैं, बीते दिनों जिस तरह सचिन पायलट द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर सीधा आरोप वसुंधरा राजे पर लगाया गया, क्या लगता है इससे वसुंधरा राजे की छवि पर कितना असर पड़ा है? यहाँ पर हम राजनीति करने नहीं आए हैं, यहाँ पर हम सीधा से एक बात करने के लिए आए हैं कि ये जो सरकार, ये जो देश के अंदर हो रहा है कि आतंकवादी खुले रूप से झिझक और बिना डर के साये के अंदर रह रही है और जहाँ चाहती है वहाँ पर अपना अंजाम कर देती है, क्यों ऐसा डर? नहीं, हमको उस बारे में बात नहीं करनी है ना, हमको यहाँ पर केवल पीड़ितों की न्याय के लिए और आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो यहाँ पर वरिष्ठ लोग भी जुड़े हैं इस कैंडल मार्च में, आइए इनसे बात करते हैं। सर, जिस प्रकार बीते दिनों सचिन पायलट द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर वसुंधरा राजे के खिलाफ आरोप लगाया गया, इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि क्या लगता है आपको कि अगला कदम क्या होगा भाजपा का? मैं ये कहूंगा कि सचिन पायलट जी को भ्रष्टाचार याद आया पिछली सरकार का, वर्तमान सरकार में जो जितना भ्रष्टाचार हुआ ऐसा भ्रष्टाचार हमने कभी नहीं देखा, और जनता के साथ में 13 अप्रैल 2008 को जो घटना घटी, मैं तो कहूंगा कि सचिन पायलट जी को उस घटना के बारे में जरूर बोलना चाहिए था, और मैं तो कहता हूं कि अगर इन लोगों के लिए वो अनशन पर बैठते तो जनता उनका बहुत बहुत स्वागत करती। देखिए, यहाँ इन्होंने कहा कि सचिन पायलट को भ्रष्टाचार के साथ साथ जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपियों के खिलाफ भी अनशन पर बैठना चाहिए था। यहाँ पर पार्षद भी मौजूद है। सर, बीते दिनों जिस प्रकार सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार को लेकर अनशन किया, सीधे तौर पर वसुंधरा राजे पर आरोप लगाए हैं, इस पर अब भाजपा का अगला कदम क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आम नागरिकों के साथ खड़ी है, और आज जैसा गहलोत सरकार ने तुष्टिकरण का प्रमाण दिया है, हम सभी उनके विरुद्ध में इकट्ठे हुए हैं और हम हमारा जंग आगे तक जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। और जिस प्रकार से सचिन पायलट ने सीधे वसुंधरा राजे पर ही आरोप लगा दिया भ्रष्टाचार का, क्या आपको लगता है कि जो अब चुनाव आएंगे उसमें वसुंधरा राजे को जो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आगे दिखाने के जो चांस है वो अब कम हो जाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, और विपक्षी दल हैं, विपक्षी दलों के आरोप निराधार हैं। जी जी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा, आपने पार्षद को भी सुना, यहाँ पर आइए बात करते हैं और भी लोगों से कि उनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर। सर, जिस तरीके से आप लेकर चले कि पीड़ितों को न्याय दो, जी, बीते दिनों सचिन पायलट ने भी अनशन किया अपनी सरकार के खिलाफ, उनके कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्या आपको लगता है कि आपकी कैंडल मार्च सरकारों के कानों में जूरेंगे? बिल्कुल नहीं करेगी, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक कोई फांसी नहीं मिलती है उनको, फैसला वापस नहीं होता, जब तक चैन से नहीं बैठेगी जयपुर की पूरी जनता। ठीक है, जनता गुनाहगार परिवार पीड़ित परिवारों के साथ है, और अपराधियों को जब तक फांसी नहीं मिलेगी जब तक चैन से कोई नहीं बैठेगा। सर, बीते दिनों जिस तरह सचिन पायलट द्वारा वसुंधरा राजे पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए गए, उस पर अब भाजपा का अगला कदम क्या होगा? भाजपा का कदम क्या, ये तो जनता का कदम है आतंकवादियों के खिलाफ, और जब जनता ठान लेती है
तो कोई भी हो तुष्टिकरण का नेता टिक नहीं पाएगा और उसको धाराशाही होना पड़ेगा। वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार के सीधे आरोपों के बावजूद क्या आलाकमान वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के तौर पर लेकर आएगा इस बार फिर से? लगता नहीं है, आलाकमान की आलाकमान जाने, क्योंकि वो अभी डिसाइड नहीं है। हम नरेंद्र मोदी और कमल के निशान पे चुनाव लड़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए, उन्होंने कहा है कि जो ये अपना वोट देंगे वो कमल के फूल को देंगे, ना कि वसुंधरा राजे को चेहरे पे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिविल लाइन्स के विधायक, पूर्व विधायक अरुण चतुर्वेदी जी भी मौजूद है। अरुण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार कांग्रेस के ही नेता सचिन पायलट को अपनी ही पार्टी को ये बताने के लिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए अनशन करना पड़ा, तो विपक्ष में रहते हुए क्या आपकी इस कैंडल मार्च का फर्क पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो सचिन पायलट जी अच्छा होता 4 साल तक ना सदन के अंदर बोले ना सदन के बाहर बोले। कांग्रेस के बड़े बड़े विधायकों ने भ्रष्टाचार की बात की, उन विषयों के ऊपर कभी नहीं बोले। दलितों पर अत्याचार हुआ कभी नहीं बोले। हमने पीड़ितों के बच्चियों को बबलाओं के साथ बलात्कार हुए वो कभी नहीं बोले। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है, और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आ जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर डीएस सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी है। तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्थ होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।